है, और कोई भी ऐसे घर में स्टूल हो है ना, इस तरह से घर में स्टूल हो तो उसको इस तरह से लगाना है और ऐसे पैर ऊपर कर लेने हैं। सबसे पहले क्या करना है, पैर ऊपर ही करने हैं, ठीक है। हम स्टूल की जगह कोई तकिया भी रख सकते हैं, मसन भी रख सकते हैं, थोड़ा सा हाइट बढ़ाना है, हाइट बढ़ा करके पैर ऊपर करना है, पैर ऊपर करना है और इस तरह से 10 मिनट कम से कम 10 मिनट के लिए इस तरह से लेट जाना है। नेक के नीचे कोई सपोर्ट लगा सकते हैं, कोई रोल भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं कि नेक को भी सपोर्ट मिले तके के रूप में। कहने का मतलब गर्दन भी कंफर्टेबल होनी चाहिए और पैर भी इस तरह से कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इस तरह से हमें विश्राम करना है, ठीक है। जब हम पैर उठाएंगे तो क्या होगा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे आएगा, ब्रेन में आएगा, तो माइंड के रिलैक्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आंखें बंद कर लो, माइंड रिलैक्स के लिए बहुत अच्छा है, माइंड रिलैक्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आंखें बंद करके इस तरह से 10 मिनट के लिए लेट जाना। जब हम पैर ऊपर उठाते हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन इधर ब्रेन में आता है और माइंड को आराम मिलता है, और माइंड को भी आराम मिलता है और बॉडी को भी आराम मिलता है। आपको क्या करना है, अंदर से आंखें बंद करके इस तरह से लेट जाना है और अपने आप को विश्राम वाली पोजिशन में लेके आ जाना है। इस आसन को विश्राम आसन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस तरह से लेट करके आंखें बंद करके अपने आप को ढीला छोड़ना होता है, अपने आप को विश्राम वाली स्थिति में लाना होता है। तो अपनी बॉडी को भी ढीला छोड़ देना है जितना ढीला छोड़ सकते हैं, और अपने माइंड को भी ढीला छोड़ देना है। इतना अपने आप को रिलैक्स छोड़ो, इतना अपने आप को रिलैक्स छोड़ो कि नींद आ जाए, इतना ढीला छोड़ो। और 10 मिनट तक आपको यही करना है, ढीला छोड़ते रहना है, अपने आप को ढीला छोड़ते रहना, अपनी बॉडी को इतना ढीला छोड़ो, इतना ढीला छोड़ो कि माइंड भी रिलैक्स हो जाए। जैसे ही आप अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हो, माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है, ठीक है। सांस भी धीरे धीरे स्लो मोशन में चलने लगती है और माइंड भी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है, और नींद भी आ जाती है और माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। पूरे दिन भर की थकान अगर हो रही है बॉडी में तो भी हम ये ऐसा कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो रही है माइंड में, बॉडी में, तो भी हम ये कर सकते हैं। स्ट्रेस हो रहा है, चिंता हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है ना, सिरदर्द हो रहा है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक्स है पैर ऊपर करके इस तरह से आराम वाली स्थिति में अपने आप को रखना है। 10 मिनट तक आराम करना है, आराम करने वाला भाव अंदर 10 मिनट तक रहना चाहिए, विश्राम वाली स्थिति में अंदर से रहना है। बाहर से तो विश्राम हो गया, अंदर से विश्राम हो रहा है नहीं हो रहा ये देखना है। आपको अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ना होगा, आँख बंद करके पूरी बॉडी को इतना ढीला छोड़ें कि आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाए, आपका माइंड भी लूज़ हो जाए, विश्राम में चले जाए और आपको नींद आ जाए। तो अपने आप को विश्राम वाली पोजिशन में लाने का प्रैक्टिस, ढीला छोड़ने का प्रैक्टिस, आराम देने का प्रैक्टिस, माइंड को और बॉडी को इस तरह से आराम दे सकते हैं, यह है विश्राम। थैंक यू।